भोपाल क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पारदी चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 सदस्यों समेत एक खरीदार को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से 15 तोला सोना, 1 किलो चांदी बरामद की गई। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट है और बदमाशों की धरपकड़ करने के साथ ही अवैध गतिविधियों पर लगाम कसी जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम ने पारदी चोर गिरोह के 3 शातिर बदमाशों के साथ एक चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि शातिर आरोपी भोपाल के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 9 चोरियों की घटना को अंजाम दे चुके थे। फिलहाल गिरोह के 6 अन्य सदस्य अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच ने कल शाम और रात के आसपास कार्रवाई करते हुए 3 पारदी गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है, जिनके बारे में हमारे पास लगातार खबरें आ रही थी कि इनके पास काफ़ी मात्रा में सोना और चांदी है। इन तीनों के साथ साथ एक ज्वेलर भी है जिसको इन्होंने पकड़ा है, जिसने जो इनका जो भी सामान है उसको ठिकाने लगाने का या फिर यूज़ करके इनको पैसे देने का काम करता था। अभी इन तीनों के अलावा पूरे कुल मिला के हमारे पास इस तरीके से 20 पारदियों के नाम हैं, इनसे बात करके जिनका खुलासा हुआ है, जो इस तरह के अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। और ये जो 3 पारदी हमने पकड़े हैं, इनका जो मेन एरिया ऑफ एक्टिविटी था वो साउथ के 6 थाना थे, जिनमें से पूछताछ में पता चला है और जो हमारे पास पहले फुटेजेस थे उन सबको देख कर ये ज्ञात हुआ है कि लगभग 9 मामलों में इनकी संलिप्तता थी। तो इस तरीके से क्राइम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इनसे हमको अभी 15 तोला जो है सोना मिला है और 1 किलो चांदी बरामद हुई है इनके पास। तो लगभग पूरा मिला के अराउंड 8 to 9, 8.5 लाख के करीब का मशरूका इनके पास से अभी जब्त हुआ है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम पकड़े गए आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करने में जुट गई है, जिससे चोरी और लूट की अन्य घटनाओं के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है।